नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिस कर्मी हटेंगे, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिस कर्मियों को हटाया जाएगा। उनकी जगह PAC कमिश्नरेट जिलों SDRF और विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को चयनित कर विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। हटाए गए पुलिस कर्मियों में अधिकतर फायरिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, साथ ही कई अन्य वजहों से भी उन्हें हटाने का निर्णय हुआ है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य VVIP की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी भी जल्द हटाए जाएंगे। सुरक्षा मुख्यालय में SP मुख्यमंत्री सुरक्षा की ओर से चयनित 102 पुलिस कर्मियों को जल्द तैनात करने के लिए संबंधित शाखाओं से उनके सेवा विवरण तलब किए गए हैं। बता दें कि सुरक्षा मुख्यालय की मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुरूप गठित कमेटी में बीते दिनों VVIP सुरक्षा में बदलाव के लिए PAC समेत तमाम शाखाओं के मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों द्वारा किए गए आवेदन के बाद उनका फिटनेस और फायरिंग टेस्ट लिया था। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें चयनित किया गया है। इससे पहले VVIP सुरक्षा में बरसों से तैनात पुलिस कर्मियों को भी फायरिंग एवं फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया था। इसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी फायरिंग टेस्ट में असफल हो गए थे। दोबारा परीक्षा देने के लिए बुलाने पर उन्होंने आने की जहमत तक नहीं की, ताकि वे अपनी वर्तमान तैनाती की जगह बरकरार रहें। जिसके बाद सुरक्षा मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए PAC कमिश्नरेट जिलों SDRF और विशेष सुरक्षा बल से 102 पुलिस कर्मियों को चयनित कर VVIP सुरक्षा में तैनात करने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि VVIP सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को 12,500 अतिरिक्त भत्ता मिलता है, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसी वजह से वर्षों से VVIP सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों हटना नहीं चाहते थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।